उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही लगातार अभी भी जारी है। आज सदन में सबसे पहले धनोल्टी के विधायक प्रीतम पवार ने राशन कार्ड में हो रही अनियमितताओं का विषय उठाया। प्रीतम पवार ने सरकार से प्रदेश में कार्डधारकों की संख्या के बारे में पूछा। इसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया है। बता दें कि आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन के पटल पर 11,000 करोड़ से भी अधिक का अनुपूरक बजट पेश करने वाले हैं। और इसके अलावा आंदोलनकारियों को शासकीय नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण और अम्ब्रेला एक्ट जैसे कुल 12 विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज प्रश्नकाल भी है। ऐसे में विधानसभा सचिवालय को पक्ष विपक्ष के विधायकों के 614 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं जिनका संबंधित मंत्रियों को जवाब देना लाजमी हो जाता है। प्रश्नकाल के दिन की कार्रवाई का पूरा दिन मंत्रियों के अच्छे वर्क पर डिपेंड करता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इस बिना कुछ जाने सरकार अधिक है कि प्रश्नकाल कल होगा, बिल्कुल कल होगा। सभी विधायकों से, सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी बातों, अपने प्रश्न उठाएं। सप्लीमेंट्री भी हम लोग उठाने देते हैं, तो सप्लीमेंट्री भी जो सदस्यगण हैं वो उठा सकते हैं। माननीय मंत्री लोग सारे उसका जवाब देंगे, तो प्रश्नकाल अच्छे से चले, शांतिपूर्वक चले, सुचारू रूप से चले, ऐसी मैं आशा करती हूँ। उसके बाद जिस भी नियम के तहत जो विपक्ष हैं वो अपनी बात रखते हैं। वैसे तो उत्तराखंड मुद्दों की भरमार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन की समय सीमा कम कर मुद्दों को दबाना चाहती है, सरकार असच्चाई से भागना चाहती है। हमने कल भी एक नारा दिया था, भाजपा सरकार उत्तराखंड की आवाज मत दबाओ, सत्र की सीमा बढ़ाओ, सत्र का समय बढ़ाओ। हम ये कहना चाहते हैं आज जो अतिक्रमण का बुलडोजर बिना नोटिस बिना कुछ जाने सरकार अधिकारियों कर्मचारियों के संरक्षण के लिए कोर्ट को हमने जवाब देना है करके निकल पड़ी है बुलडोजर लेके। वर्षों से पीढ़ियों से लोगों को बैठे हुए जो घरों आशियानों को रोजगार के जो हमारे दुकानें उनको तोड़ने का काम कर रही है, उस पर बात करेंगे। है कि प्रश्नकाल का